आज घोषित होंगे 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे। सुबह 8 बजे से शुरू होगी मतगणना। 15,000 कर्मचारी अफसर रहेंगे तैनात। आज होगा 8,500 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला। दांव पर लगी वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह चौहान, रमन सिंह, केसीआर समेत ललथन हवला की साख। नतीजों से पहले राजनीतिक दलों ने भरी जीत की हुंकार। बीजेपी ने किया राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश बचाने का दावा। कांग्रेस बोली, आज बिखरेंगे बीजेपी के सारे अरमान। आज से शुरू होगा संसद का शीतकालीन सत्र। मोदी सरकार ने की विपक्ष से सहयोग की अपील। राफेल समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरेगा विपक्ष। केरल में खत्म नहीं हो रही बीजेपी की मंदिर पॉलिटिक्स। सबरीमाला मामले में कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई के विरोध में बीजेपी आज करेगी हड़ताल। आज पश्चिम बंगाल दौरे पर संघ प्रमुख मोहन भागवत, सिलीगुड़ी और कोलकाता में करेंगे बैठक। समाज के विभिन्न क्षेत्रों की हस्तियों के साथ भी करेंगे मुलाकात। जम्मू कश्मीर में पीडीपी को लगा एक और झटका। पीडीपी नेता और पूर्व एमएलए अब्बास वानी ने पार्टी से दिया इस्तीफा। इससे पहले आबिद अंसारी ने छोड़ा था पार्टी का साथ। 5 दिन की म्यांमार यात्रा पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज अपने समकक्ष यू विन मिंत और स्टेट काउंसलर आंग सान सू ची से करेंगे मुलाकात। सार्क समिट में फिर पाकिस्तान ने चली चाल। पाक ने बैठक में पीओके के मंत्री चौधरी मोहम्मद सईद को बुलाया। भारत ने किया बैठक का बहिष्कार। और राजधानी दिल्ली में आज मौसम लेगा करवट। मौसम विभाग ने जताई हल्की बारिश की संभावना। बारिश के बाद और बढ़ेगी ठंड। तापमान में 3 से 4 डिग्री की आएगी गिरावट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB Live, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB Live, क्योंकि यहां हैं खबरें लगातार।